वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियञ्च वरदम् वंदे शिवम शंकरम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। नए साल में आप अपने जीवन में सब कुछ बेहतर चाहते हैं, तो जाने स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस और अपनी राशि के हिसाब से कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, कहां बढ़ेंगी परेशानियां और क्या है इसके उपाय, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले, इस सप्ताह आपका व्यवसाय ठीक चलेगा, परिवार की चिंता रहेगी, मित्र संबंधी मिलेंगे, चोट व रोग से बचें, लाभ होगा, आजीविका के क्षेत्र में उन्नति होगी। उपाय, इस सप्ताह आप अपने घर की चौखट पर 27 आम के पत्तों की बंधन वार लगाएं। वृष राशि वाले, ये सप्ताह वृष राशि वालों को संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, चोट और रोग से हानि संभव है, जोखिम ना उठाएं, उन्नति होगी, लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आपके लिए उपाय है, इस सप्ताह लाल चंदन गुलाब के फूल रोली एक लाल कपड़े में बांधें। मिथुन राशि वाले, आप भी जोखिम ना उठाएं, रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे, धनार्जन होगा, भूमि विवाद की आशंका रहेगी। आपके लिए उपाय है, शाम को किसी भी समय जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल का दान अवश्य करें। कर्क राशि वाले, आपकी जिंदगी में बहुत दौड़ धूप रहेगी, विवाद ना करें, जोखिम व जमानत के कार्यों को टालें, जल्दबाजी से बड़ी हानि हो सकती है, बने बनाए कार्य बिगड़ जाने से चिंता होगी। आपके लिए उपाय है, इस सप्ताह किसी मंदिर में गेहूं और उतनी ही मात्रा में गुड़ का दान करें। सिंह राशि वाले, आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति संभव है, धन लाभ होगा, रोग व चोट से बचें, मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय है, जरूरतमंद व गरीबों को कंबल और मिठाई का दान करें। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों को पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी, उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी, प्रसन्नता रहेगी, जोखिम ना लें, अपने परिश्रम से लाभ प्राप्त करेंगे। उपाय, तिल का दान करें। तुला राशि वाले, आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, मित्र व संबंधियों से मेल बढ़ेगा, अप्रत्याशित लाभ की संभावना है, शारीरिक पीड़ा रहेगी, व्यापारिक गोपनीयता अपनी बनाए रखें, आप सरस्वती के मंत्रों का जप करें। वृश्चिक राशि वाले, फालतू खर्च होने से मन अवसाद से ग्रस्त रहेगा, फालतू खर्च होगा, दूसरों से अपेक्षा ना करें, कुसंगति से हानि होगी, भय रहेगा, शरीर कमजोर होगा, कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें। उपाय, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन के समय लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला पहनाएं। धनु राशि वाले, यात्रा नौकरी व निवेश मनोरकूल रहेंगे, बकाया वसूली भी होगी, उन्नति भी होगी, यात्राएं सफल रहेंगी, लाभ भी होगा और रोजगार में उन्नति के नवीन अवसर मिलेंगे। उपाय, अगर आप कर्जों से मुक्त होना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला पहनकर लाल आसन पर बैठकर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, उसमें एक संपुट और लगा लें, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। मकर राशि वाले, आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, शारीरिक कष्ट संभव है,
घर में मांगलिक कार्य भी बनेंगे। आपके लिए उपाय है, सुबह के पूजन के बाद में घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं, जिससे नकारात्मकता दूर होगी। कुंभ राशि वाले अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, आपको अवश्य लाभ होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी मिलेगा और धन लाभ के साधन भी बनेंगे। आपके लिए उपाय है, तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। मीन राशि वाले आपको लापरवाही से हानि होगी, किसी भी कार्य में लापरवाही ना रखें, दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। नई योजना लागू करने के लिए लोन लेंगे, लेन देन में सावधानी रखें। आपके लिए उपाय है, गणपति जी की स्तुति करें, गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें। आज की भविष्यवाणी में बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।